Presenting DZ City by Skyline Enterprises in the heart of Mumra. DZ City के location और ultra modern luxury lifestyle के अपने ही अलग फायदे हैं. 22 फ्लोर के बन रहे इस कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में 50% ओपन स्पेस, गार्डन, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जॉगिंग ट्रैक, टर्फ, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, मल्टीपर्पज हॉल, लाइब्रेरी के साथ और भी बहुत कुछ. इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सब सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पर. डू कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स. मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ. मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी. इस वक्त मैं मौजूद हूं मुमरा अमीनाबाद के मुख्य रोड पर, जिस रोड को लेकर विवाद काफी हुआ था और ये विवाद लगातार चलने के बाद MIM ने पत्र व्यवहार किया और इस पत्र व्यवहार के बाद अब जाकर के ये काम में तेजी हुई है और लगभग जो है सब काम यहाँ पर होते हुए भी नज़र आ रहा है. तो जावेद भाई, जिनके प्रयासों से ये रोड का काम तेज़ी आया है और इस रोड के काम को लेकर के क्या कहेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर मौजूद है. जावेद भाई, जिस तरीके से ये काम को लेकर आपने पत्र दिया और चालू हो गया है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु. इस रोड का 2019 से सेंक्शन जो हुआ था वो तो पहले आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं मुख्य बात कर रहा हूँ कि आज जो साफ़ सफाई ये रोड का हुआ है, हमने जो है 21/10/2022 को थाने महानगर पालिका को पत्र दिया था कि आपका 5,85,00,000 जो रुपया था वो कहाँ गया, अभी तक रोड बना नहीं. तो उन्होंने हमें जवाब दिया है कि देखो, ऐसा है कि ये DP रोड है, DP सेल रोड है, ये किसी आमदार की निधि नहीं है, किसी नगर सेवक की निधि नहीं है, ये जो है प्रशासन की निधि है जो DP रोड है. इंशाल्लाह आज जो है साफ़ सफाई हुई, आप देख सकते हैं पूरा साफ़ सफाई हुई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है यहाँ पे डामर हो जाएगा, डामरीकरण. और इसके लिए हमने जब अभी आवाज़ उठाया तो हमको उन्होंने पत्र दिया है कि जो है ये DP सेल है और ये जो है प्रशासन का है, उन्होंने खुलासा किया है, ये किसी का निधि नहीं है, आमदार या खास नहीं. इसमें कोई भी सत्ताधारी यहाँ पे आके नारियल फोड़ा, उद्घाटन किया, वो हमसे उससे लेना देना नहीं है. सिर्फ हम जनता को बताना चाहते हैं कि जिस चीज़ के पीछे हम लोग लगते हैं वो काम हमको करना है. और अल्हम्दुलिल्लाह इसके 30 पोल भी आ गए यहाँ पे लगाने के लिए, जो है वो कब्रस्तान में रखे गए हैं, वो बहुत जल्द यहाँ पे लाइटिंग होगी और मैयत जाने के लिए यहाँ पे जो रास्ता है बहुत अच्छा दिखेगा. मेरी प्रशासन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. वो जो अधिकारी ने इस काम के लिए पीछे मुझे पढ़ के, मैंने उनसे जो पत्र व्यवहार करता रहा, उन्होंने मुझे ये काम के लिए जो आश्वासन देता रहा, उन्होंने काम करके बताया है. अब इसके लिए कोई भी जो है बोलेगी मैं हूँ, जनता को मालूम है कि 15 साल ये लोग कर नहीं सके, तो ये फेलियर है. और अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा शहर में जो ज़रूरत की चीज़ है हम लोग काम करते हैं.